नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। आज गणतंत्र दिवस का दिन है और बिहार के लिए एक बेहद खुशी का पल है। जहां देश से लेकर दुनिया में बिहार राज्य अपनी एक अलग पहचान स्थापित कर रहा है, एक परचम लहरा रहा है। बिहार के कई लोग देश के विभिन्न कोनों में, दुनिया के विभिन्न जगहों पर बिहार का नाम ऊंचा कर रहे हैं, बिहार को गर्व महसूस करा रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज बिहार के लिए बेहद खास दिन है, जहां भारत सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है, जिनमें कई विभूतियों के नाम शामिल हुए हैं। लेकिन खास बात तो ये है कि बिहार राज्य की 3 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार मिलने जा रहा है, जिससे पूरा बिहार गदगद हो गया। दरअसल भारत सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। देश के विभिन्न हिस्सों की महान विभूतियों ने 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री जैसे पुरस्कार से नवाजा गया है। बिहार के 3 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है, जिसमें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से सुपर 30 के मेंटोर आनंद कुमार को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। वहीं दूसरी ओर कला के क्षेत्र में सुभद्रा देवी को पुरस्कार दिया गया है। उनके अलावा कपड़ा कला के मामले में नालंदा के कपिल देव प्रसाद को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बताते चले कि 68 वर्षीय कपिल देव प्रसाद नालंदा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने कपड़ा कला में बेहतरीन काम किया है, जिसकी वजह से उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। भारत को गौरव दिलाने वाले कपिल देव प्रसाद वन बूटी कला के ममग्र हैं। इन्होंने अपने अब तक कई बड़े और लंबे कपड़ों पर अपनी कला उकेरी है। कपिल देव प्रसाद ने 52 बीघा की बुनकरी को 20 साल बाद राष्ट्रीय स्तर की कला के रूप में पहचान दिलाई है। वहीं दूसरी तरफ उसके अलावा आनंद कुमार को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री का पुरस्कार मिला है। 1 जनवरी 1973 को जन्मे आनंद बिहार के शिक्षाविद और विद्वान माने जाते हैं। इन्होंने सुपर 30 के माध्यम से गरीब बच्चों का दाखिला IIT जैसे संस्थानों में कराने की जिम्मेदारी ली। इन पर विश्व की कई बड़ी नामी कंपनियों ने फिल्में बनाई हैं। डिस्कवरी इंडिया के साथ मुंबई के फिल्म निर्माताओं ने भी आनंद के जीवन पर फिल्म बनाई है। आनंद के पिता डाक विभाग में एक लिपिक रहे। आनंद ने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की और सुपर 30 चलाते हैं। सरकार ने उनके योगदान को देखते हुए उन्हें पुरस्कार दिया। वहीं दूसरी तरफ सुभद्रा देवी को बिहार में कला के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। बिहार की 3 विभूतियों को अवार्ड मिलने की बात पूरे प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ गई है। भारत सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है, जिनमें 91 पद्मश्री पुरस्कार रखे गए हैं और बिहार की 3 बड़े हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, जिसके बाद पूरा बिहार बेहद गर्व महसूस कर रहा है। बिहार में हर तरफ खुशी की लहर है, हर कोई शुभकामनाएं और बधाई दे रहा है। जहां शिक्षा के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में बिहार ने ये गौरव हासिल किया है, और हमारा चैनल न्यूज़ फाउंडेशन भी बिहार की इन 3 हस्तियों को बेहद शुभकामनाएं देता है। फिलहाल के लिए